विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक श्री सुनील पटेल जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, माननीय कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी, काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी जी, आज के इस समारोह में उपस्थित पूज्य संतजन शरण पूर्णामठ से पूज्य महंत श्री शंकरपुरी जी महाराज, श्री सतुआ बाबा आश्रम से महामंडलेश्वर महंत श्री संतोष दास जी महाराज, पातालपुरी मठ के श्री महंत श्री बालक दास जी महाराज, सचिव धर्म संघ शिक्षा मंडल पंडित जगजीतन पांडे जी, उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के हमारे सभी सम्मानित आचार्यगण, विभिन्न संस्कृत विद्यालयों के सभी प्रधानाचार्य और अन्य सम्मानित आचार्यगण, आज के इस गरिमामय समारोह में उपस्थित काशी के सभी हमारे वरिष्ठ नागरिकगण, विभिन्न क्षेत्रों से उपस्थित महानुभाव और मेरे प्यारे छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दीपावली के ठीक पहले इस समारोह के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय को अपना तैयार किया और यहां पर आज ये समारोह हो रहा है। यह समारोह संस्कृत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए और उसकी आत्मा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण समारोह है। इस समारोह की ऊर्जा क्या है, अगर इसका एहसास करना है तो जब मैं इस प्रांगण में प्रवेश किया और मंच पर भी आने के उपरांत भी आप सब ने एहसास किया होगा कि स्वस्ति वाचन और मंगलाचरण, वैदिक मंगलाचरण के कार्यक्रम जब यहां पर संपन्न हो रहे थे, जो सामूहिकता की अनुगूंज हो रही थी वह केवल एक स्वर नहीं था बल्कि भारत की सनातन धर्म की ऊर्जा का एक स्वर आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्प्रोत होकर के भी गूंजायमान हो रहा था। संस्कृत को अगर समझना है तो इस स्वर के अंतःकरण में स्वयं को समाहित करना पड़ेगा।
और वही जब श्रद्धा भाव के साथ ईश्वर के साथ अपना तारतम्य स्थापित करेगा तो संस्कृत की ऊर्जा और संस्कृत के महत्व की जानकारी उसे हो पाएगी। और इसी ऊर्जा से संपूर्ण उत्तर प्रदेश ओतप्रोत हो, इस ऊर्जा से युक्त युवाओं की एक बड़ी फौज खड़ी हो और हर सनातन धर्मावलंबी इस ऊर्जा के साथ आप्लावित हो सके, इस दृश्य इस समारोह के साथ हम दीपावली के ठीक पहले देश के सबसे प्राचीन इस संस्कृत विश्वविद्यालय में डॉक्टर संपूर्णानंद जी के नाम पर स्थापित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ जुड़ रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है, गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, वंचित छात्रों को ये छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, ये अभिनंदनीय प्रयास हुआ, लेकिन संस्कृत को क्यों उससे उपेक्षित किया गया ये मैं नहीं समझ पाया। अभी तक संस्कृत के केवल 300 बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था थी और उसके लिए भी छात्रों को पता नहीं था, कोई आवेदन नहीं कर पाता था। कुल 300, 25 करोड़ की आबादी है। मैं आश्चर्यचकित करता था, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से जब प्रथमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा की भी मान्यता प्राप्त होती थी, तब नेपाल और देश के अलग अलग जगहों के छात्र काशी में भी, गोरखपुर में भी अध्ययन करने के लिए आते थे। सन 2001 में उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद बनी और परिषद को मान्यता नहीं मिली, लेकिन छात्रों का प्रवेश होता रहा। कभी प्रयास नहीं हो पाया कि इस संस्कृत परिषद को हम मान्यता दिला पाएं। मैंने जब एक बार छात्रों की संख्या के बारे में पूछा कि वे संस्कृत से छात्र क्यों भाग रहे हैं, पता लगा कि मान्यता न होने के कारण बाहर के बच्चे अब आने से कतराते हैं। हम लोगों ने मान्यता बहाल करवाई। आज उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद में भी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की मान्यता पहले से थी और यह देश का प्राचीन संस्कृत विश्वविद्यालय है। अपनी एक लंबी यात्रा इस संस्कृत संस्थान ने आगे लेकर के चला है, बढ़ा है, गौरवशाली परंपरा के साथ आगे बढ़ा है, लेकिन संस्कृत परिषद को मान्यता तब मिल पाई जब हम लोगों की सरकार 2017 में आई और आज उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद को भी मान्यता है। अब मैं देखता हूं छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी, लेकिन एक उपेक्षा का भाव जो देखने को मिला था, और आज इसीलिए हम सब आज यहां पर उपस्थित हुए हैं कि अभी तो हम लोगों ने यहां पे संस्कृत के बच्चों के लिए, मैं आश्चर्यचकित था, पहले तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, उसमें भी आय सीमा जोड़ दी गई, तो हम लोगों ने कहा नहीं, संस्कृत के साथ जुड़ने वाले हर छात्र को ये स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। और आज जिस स्कॉलरशिप को हम लोगों ने वितरण कार्य प्रारंभ किया है, ये मेरा सौभाग्य है कि दीपावली के पहले यह अवसर प्राप्त हो रहा है हमें। दीपावली के ठीक पहले यानी कल तक इन 69,195 छात्रों के अकाउंट में ये धनराशि उनके अकाउंट में कल पहुंच जाएगी, बैंक खुलते ही ये अकाउंट में पहुंचेगी। लेकिन ये संख्या उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी संस्कृत के बच्चे हैं प्रथमा से लेकर के आचार्य तक,
इन सबके फॉर्म भरवाने हैं, सबको स्कॉलरशिप उपलब्ध करवानी है। इसके लिए हर संस्थान को लगना पड़ेगा, अपने स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा और इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। यह भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में चलने वाली डबल इंजन सरकार की भारतीय संस्कृति के प्रति, आपके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है और उस अवसर पर इस छात्रवृत्ति को आपको समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में संस्कृत को बचाए रखने, उसके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए जो प्रयास आप सबके स्तर पर हुआ है, जब आज की चकाचौंध भरी दुनिया में हर व्यक्ति भौतिकता के पीछे भाग रहा है, तब भी उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो संस्कृत के साथ अपना जीवन समर्पित करते हुए भारतीय संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित भाव के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से उसका संरक्षण करना इस शासन का दायित्व होना चाहिए, समाज का दायित्व होना चाहिए और सरकार अपने उसी उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए आज आपके पास आई है, आपके द्वार पर आई है। इन सभी छात्रों के लिए अभी तो हम लोगों ने घोषणा की है और हम लोगों ने आगे से व्यवस्था करने के लिए हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि अब संस्कृत विद्यालयों में हम ऐड 19 संस्थानों को देंगे जो अपने यहां छात्रावास की व्यवस्था निःशुल्क छात्रों